जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं, आज जब प्रथम घर में चंद्रमा कन्या राशि के बैठे होते हैं, और इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं जब चंद्रमा प्रथम घर में जो है मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक बैठे हुए हैं, वो अवश्य देखिए। जिन्होंने नहीं देखे उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो में। आपको किसी प्रकार की कंसल्टेशंस लेनी हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना हो, कोई क्वेरीज हो, कंसल्टेशंस हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो में फ्लैश होता रहता है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। तो बात करते हैं दोस्तों, जब चंद्रमा पहले घर में कन्या राशि के बैठे होते हैं तो क्या फल प्रदान करते हैं। तो पहले घर में जब चंद्रमा जातक के बैठे होते हैं तो वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। उनको बहुत मतलब अच्छा लगता है कि साफ सफाई रहें चीज़ें उनके अगल बगल जो हैं, तो उनका ये नेचर होता है। और उत्सव है, पार्टी है, और इन सब चीज़ों का उनको जो है पसंद होता है, समारोह उनको पसंद होते हैं। और धनी होते हैं जातक, धनी होते हैं ऐसे जातक, और यश व सुख की प्राप्ति होती है जब कन्या राशि के चंद्रमा पहले घर में बैठे होते हैं। और सकारात्मक शक्ति होती है, कंस्ट्रक्टिव होते हैं अपने मन में विचारों से। और जातक का जो पार्टनर होता है जब कन्या राशि में पहले घर के चंद्रमा बैठे होंगे तो पार्टनर भी सुंदर होता है, उनका जनसंपर्क अच्छा होगा, लोगों से मेल मिलाप सुंदर होगा, लोगों से जो अच्छे से मिलते हैं, और कल्पना शक्ति उनकी बहुत सुंदर होती है जब चंद्रमा पहले घर में कन्या राशि के बैठे होते हैं। और विवाह के बाद जो है स्थिति और सुंदर हो जाती, शुभ हो जाती, और भाग्यवान हो जाते हैं और भाग्यशाली हो जाते हैं। और थोड़ा जो है उनका नेचर कभी कभार जो है शर्मीला भी देखा जाता है जब चंद्रमा पहले घर में कन्या राशि के बैठे होते हैं, तो कहीं कहीं जो है शर्मीले व्यक्तित्व भी होते हैं लोगों के, ऐसे लोगों के। और अच्छी शिक्षा होती है, विद्यावान होते हैं, गुणवान होते हैं, थोड़ा स्वभाव इनका विलासी होता है, अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, थोड़ा लग्जरीज पसंद करते हैं, तो विलास प्रिय होते हैं ये कह सकते हैं आप। और इनमें एक और अच्छी क्वालिटी होती है, अगर कम पढ़े लिखे भी हैं ये लोग कन्या राशि में जब पहले घर में चंद्रमा बैठा होता है, तो भी जो है इनका दिमाग बुद्धि बहुत तेज होती है, अच्छा व्यापार कर लेते हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, अगर इनकी शिक्षा बहुत अच्छी ना भी हुई तो भी चंद्रमा प्रथम घर में अगर कन्या राशि के बैठे होंगे तो ये बहुत जो है दूसरे के सामने जो है बुद्धिमान ही नजर आएंगे आपको, ये नहीं आप जान सकते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, पर्यटन प्रिय होते हैं, इनको अच्छा लगता है, बोलचाल में जो है इनकी भाषा सुंदर होती है, मधुर होते हैं, स्वीट स्पोकन होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं इन लोगों के जीवन में। और अगर चंद्रमा इस पोजीशन में बैठा हुआ है कन्या राशि में, और वो बलि है, और भी कई तरीकों से वो अगर चंद्रमा बलि है तो जो है वो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, धनी परिवार में उनका जन्म होता है अगर चंद्रमा और तरीकों से भी बलि है। नवमाशा में उसकी सुंदर पोजीशन है, षडबल में भी बलि है, और कई चीज़ों से बलि है अगर तो। और श्रम से ज़्यादा ये लोग मेहनत से ज़्यादा जो है, ताकत से ज़्यादा जो है बुद्धि से काम लेना पसंद करते हैं। वैसे भी कन्या का लगन है, बुद्धि से काम लेना ज़्यादा पसंद करेंगे ही बल से ज़्यादा। और कई चीज़ों में लोग सब काम करने में बड़े जो है सुंदर होते हैं, और ये औषधि विज्ञान हो गया इनका, मेडिसिन हो गई उसमें अच्छा करते हैं, लेखन में अच्छा करते हैं, राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, व्यापार में सुंदर होते हैं, अकाउंट्स में इनका नेचुरल वो फ्लेयर होता है जब चंद्रमा पहले घर में कन्या राशि के बैठे होते हैं तो है। अपने हित की रक्षा करने में भी निपुण होते हैं, मतलब अपना फायदा देखना, अपना हितों की रक्षा करना, उसमें पूर्ण कुशल होते हैं, सबल होते हैं, निपुण होते हैं उस चीज़ में जब कन्या राशि में चंद्रमा बैठा होता है, जानते हैं कैसे अपने जीवन को सुरक्षित करना है, आगे लेके जाना है, बहुत जो है इनको इस बात के ज्ञान होता है। और माता से इनको धन की प्राप्ति होती है, और लेन देन में भी कुशल होते हैं, ऐसा नहीं है जो आप समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में जो है इनका लेन देन अच्छा होता है ये नहीं, आप इनको कंजूस नहीं कह सकते हैं। और एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, चीज़ों को नीति कुशलता से देखते हैं, परखते हैं जब चंद्रमा पहले घर में कन्या राशि के बैठे होते हैं तो। और हमेशा जो है नई बातें सीखने के इच्छुक रहते हैं इन लोगों को, ये नहीं कि इनके दरवाजे बंद हैं कि ये नई बातें नहीं सीखेंगे या नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नई बातें सीखना चाहते हैं और नए लोगों से मिलना चाहते हैं, जनसंपर्क से जो है इनके कई काम निकलते हैं लोगों से, उनसे भी उनको धन की प्राप्ति होती है, इनके जनसंपर्क से
जब लोगों से मिलते जुलते हैं। कला कौशल इनमें बहुत होता है, और मैंने आपको बताया घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। हम लोग बात करते हैं कुछ नकारात्मक तथ्यों की भी। जब चंद्रमा पहले घर में कन्या राशि के बैठे होते हैं और कुछ कमज़ोर हो, किसी किन्हीं कारणों से कोई दृष्टि पड़ रही हो या किसी ग्रह के साथ संयुक्त हो या नवमाशा में इनकी अगर पोजीशन खराब हो जाती है तो कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, तो उस समय जो है इनमें उतावलापन आ जाता है। उस समय जो है ये कामी प्रवृत्ति भी इनके अंदर देखी जाती है, घमंडी भी होते हैं, इनके अंदर ईगो बढ़ जाता है उस समय, और हर बात में अपने आप को जो है बहुत चतुर चालाक समझते हैं, सामने वाले को जो है समझते हैं कि बुद्धिहीन है। ये जब चंद्रमा खराब होता है, आपको मैं ये अवगुण बता रहा हूँ, तब जब कन्या राशि में बैठे होते हैं तो चंद्रमा यहाँ पे अगर कमज़ोर होता है, नकारात्मक होता है, तो जब पैदा होते हैं तो घर भी नॉर्मल होता है, मीडियम क्लास होता है, या कहीं बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं होती है उस घर में जब ये पैदा होते हैं जहाँ, और तब इनको निर्णय लेने में भी कठिनाई आती है जब चंद्रमा यहाँ पे बैठ के कन्या राशि में अच्छा फल नहीं दे रहे होते हैं तो, और दिखावेबाजी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, दिखावा ज़्यादा होता है इनके जीवन में, और जो है इनका फ्लर्टियस नेचर होता है, कामी मैंने आपको बताया है, तो थोड़ा ये फ्लर्ट भी करते हैं लोग, मतलब दूसरे जो है अपने किसी भी विमेन साइड से, उनमें ये फ्लर्टियस नेचर होता है जो कि इनके लिए शुभ नहीं है, कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। हम लोग बात करते हैं उपायों से, पहले जब चंद्रमा पहले घर में कन्या राशि के बैठे हों और जब दूसरे ग्रहों के साथ युक्ति करते हैं तो किस प्रकार का वो फल देते हैं। चंद्रमा जब सूर्य के साथ पहले घर में बैठेंगे यहाँ पे कन्या राशि के, तो पराक्रमी होंगे, सुंदर पार्टनर होगा, और परंतु अगर बुध अच्छे स्थान में हो फिर उस ऐसे समय में कन्या लग्न के लिए, जब सूर्य और चंद्रमा पहले घर में बैठे हुए हैं और बुध कहीं अच्छे स्थान में बैठा हो, तो आप समझ लीजिए फिर राजा जैसी वृद्धि होती है, सब प्रकार के शुभ प्राप्त होते हैं। और चंद्रमा जब मंगल के साथ पहले घर में बैठे होते हैं कन्या राशि में पहले घर में, तब जो है सुखों की प्राप्ति होती है, और कई प्रकार के जो है इनको एफर्ट होता है, मेहनती होते हैं, मेहनत बल से काम लेते हैं, लेकिन तब कई अनहोनी घटनाएं हैं, काफ़ी परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है अपने जीवन धन कमाने में, हर चीज़ में इनके अंदर कष्ट है, चोट चपेट है, उसके लिए रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। चंद्रमा जो है वो जब बैठा होता है बुध के साथ यहाँ पे पहले घर में कन्या राशि में, तब बुध जो यहाँ पे बैठ के जो है भद्र योग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग में से एक बहुत सुंदर स्थिति है ये, तो राजा के समान समझ लीजिए, ऐश्वर्यशाली, हर प्रकार के जो है सुख इनको प्राप्त होंगे, और कोई किसी बात से प्रसिद्धि होगी इनको अपने जीवन में। उसमें एक और भी पॉइंट है कि प्रसिद्धि इनकी जीवन में अवश्य होगी, लेकिन हाँ कहीं कोई इनकी कोई ऐसी बुरी बात भी सामने आ सकती है पब्लिक में या लाइफ में, जिसके लिए चंद्रमा और बुध जब पहले घर में बैठेंगे जो कुछ थोड़ी सी नागवार गुजरती है इन लोगों के लिए, या जो अच्छी नहीं होती है, चंद्रमा और बुध जब साथ में बैठे होते हैं तो इस तरीके की पोजीशन भी बनती है इन लोगों के साथ, अन्यथा बहुत सुंदर स्थिति है। चंद्रमा और बृहस्पति जब पहले घर में कन्या राशि के बैठते हैं तो बहुत सुंदर युक्ति है, गज केसरी योग बनता है, शुभ युक्ति है, उत्तम संतान होती है, उत्तम पार्टनर होता है, तब वहाँ पे भाग्यवान होते हैं, विवाह शुभ होता है, सुंदर नेचर होता है, ज्ञानवान होते हैं, धर्मवान होते हैं। चंद्रमा और शुक्र जब पहले घर में बैठते हैं कन्या राशि के, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है अपनी निष्ठा को पा जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है जातक भाग्यवान होगा, सुंदर होगा, धनवान होगा, परंतु नेचर में किसी प्रकार का जो फ्लर्टनेस एटीट्यूड है, मतलब थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति है, वो बढ़ती हुई देखी जाती है कभी कभार जो है किसी तरीके में। और चंद्रमा जब शनि के साथ पहले घर में बैठेंगे तो धनवान होता है, लकी होता है, मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं उस समय, कहीं किसी ना किसी प्रकार के जप तप में भी लगे होते हैं कई बार ऐसे लोग जब चंद्रमा शनि के साथ कन्या राशि में बैठे होते हैं, तो प्रगति इनकी धीमी होती है जीवन में, नौकरी करते हैं ज़्यादातर, ये लोग नौकरी करते हुए देखे जाते हैं। और चंद्रमा और राहु जब पहले घर में कन्या राशि के बैठते हैं तो इनकी व्यापारिक बुद्धि होती है, क्योंकि राहु यहाँ पे कन्या राशि में थोड़ा जो है अपना आसानी फील करता है, शुभता फील करता है, और बुद्धिमान होते हैं, और मैं हर तरीके का जो है इनको अंदर की बातें समझ जाने वाले होते हैं, बड़े एनालिटिकल होते हैं, तब वो इनकी एबिलिटी और बढ़ जाती है,
और बहुत लोगों के अंदर जो है फिर वो नुक्ताचीनी भी करने लगते हैं, मीन मेक निकालने लग जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं ज्यादा। चंद्रमा जब केतु के साथ पहले घर में बैठते हैं तो इनका जो है कन्या राशि में उस समय जो मस्तिष्क है इनका, जो मन है वो विचलित रहता है कई कारणों से, धन की भी कमी आती है, पार्टनर के साथ भी संबंध थोड़े जो है अनबन वाले हो जाते हैं ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा केतु के साथ, उपाय जरूरी हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन से उपाय करने से कन्या राशि वालों को जो है जब चंद्रमा प्रथम घर में बैठे और अगर वो अच्छे फल नहीं दे रहा है तो कौन से उनको उपाय करने चाहिए जिससे कि उनको जो है हर प्रकार की सुख संपन्नता अपने जीवन में प्राप्त हो। गौरा शंकर की उनको पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, कंबाइंड गौरा शंकर की पूजा उनके लिए बहुत आवश्यक है। गणेश जी की पूजा अनिवार्य रहे इनके लिए। और दवाइयों का ये दान करें अपने जीवन में, हर प्रकार का इनको सुख समृद्धि परेशानियाँ, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, परेशानियाँ इनकी दूर होंगी इनके जीवन से। आशा करता हूँ कन्या राशि वाले ये वीडियो देख के अपने लिए गुड पॉइंट्स जरूर निकालेंगे। अगर उनको कुछ परेशानी होगी तो वो रेमेडीज अवश्य करें, उनके जीवन में अवश्य सुधार होगा। जय श्री कृष्ण।